ऊपर है और वोटर जो चाहेगा वही होगा। तो प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही है। हमारे पिछले चुनाव में भी कोई घटना नहीं घटी थी, इस बार भी हम चाहेंगे कि हमारा जिला इस रूप में अव्वल रहे। यहाँ पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर एसपी मनोज कुमार के साथ खास बातचीत। जी हां नमस्कार, पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्ता में आप सभी का स्वागत है। मामला सुपौल जिला अंतर्गत, पंचायत चुनाव में कैसी रहेगी विधि व्यवस्था को लेकर सुपौल पुलिस कप्तान एसपी मनोज कुमार से खास बातचीत करने की है। सुपौल जिला अंतर्गत पंचायत चुनाव होने वाला है, कई प्रखंडों में पर्चा दाखिल होना शुरू भी हो गया है। हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के अनुपात पंचायत चुनाव में स्थिति गंभीर बनी रहती है, क्योंकि एक ही पंचायत में एक ही पंचायत के एक ही पद के लिए कई सारे लोग जीत हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जैसे घोड़े की रेस जीतने की तरह होती है, इसी पंचायत चुनाव में जिला अंतर्गत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, विधि व्यवस्था कैसी रहेगी, इसको लेकर आइए सुनते हैं हमारे साथ पुलिस कप्तान एसपी मनोज कुमार से खास बातचीत में। सुपौल से हमारे ब्यूरो बलराम कुमार की रिपोर्ट। जिला के उनसे कि जनता भी कह रहे हैं कि किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन उनके हरदम साथ है, कोई भी दिक्कत कठिनाई होती है तो सीधे प्रशासन से संपर्क करें। और हमारे पुलिस कप्तान के अभी कार्यकाल जो भी रहे हैं, अभी देखा जा रहा है बहुत अच्छा रहा है। जो भी लूटकांड या डकैती जो भी कुछ कारणवश हुआ, तो अब बहुत ऐसे अंतर जिला गिरोह के बहुत ऐसे चोर बदमाश को जो है पकड़ के पूरा पुख्ता सबूत विधि व्यवस्था के साथ में उनको भेजे हैं जेल में। और हमारे न्यायालय के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा कई गुंडों चोरों बदमाशों को सजा भी हुई है और जुर्माना भी लगाया गया है। तो अभी तो कार्यकाल इनका सही देखा जा रहा है और इस चुनाव मुद्दे में देखा जाएगा कि सर कितने हद तक उतरते हैं और कितने अच्छे से पंचायत चुनाव करवा पाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर एक चीज़ देखा जा रहा है, सर यहाँ की जनता कुछ कह रहे हैं कि यहाँ के प्रतिनिधि जो है कुछ शराब, कुछ चिकन मटन, ये सब मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। और रात में रुपया रुपया बांटने का काम करता है और प्रलोभन दिया जाता है कि किसी तरह से हमको वोट मिले और हम जीते। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सही सवाल आपका है, इस पर मैं दो बिंदु कहना चाहूँगा। प्रथम बिंदु ये कि अगर हमारा वोटर क्या तो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा का जो लेवल बढ़ा है, इस तरह से लाने के लिए रखा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय मान के चलता हूँ, बिहार में हम लोग हैं जो आचार संहिता को और 24 चेक नाका है जिले में, और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, पर्टिकुलर पंचायत को अपने राजस्व लेंगे, लगाएंगे और जहाँ से भी शिकायतें आएंगी कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से इससे उनके बीच में माहौल सुंदर बनेगा, अपराधियों के मन में भय बैठेगा और जो वोटर हमारे हैं वो शांति पूर्ण तरीके से मतदान करेंगे। तो निश्चिंत रहें, शासन हर तरह से तैयार है और हमारे जिले में पिछला दो चुनाव बहुत ही शांति से हुआ है और ये चुनाव भी अच्छे से होगा, पूरी आशा है। आशा है, धन्यवाद। जनता के बीच कुछ संकेत देना चाहते हैं सर? बिल्कुल, आपका इस स्थानीय सरकारी सम्मान की आप अपने मन से वोट करिए, अपनी इच्छा से वोट करिए, किसी भी दबाव में, किसी भी रोड में, किसी भी लालच में मत पड़िए। जात का, धर्म का, भाव अपने दिलों का
ये स्थानीय सरकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 5 साल जो आपके जिंदगी के दशा को तय करेगा, आपका जीवन विकास को तय करेगा, आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। इसलिए बहुत ही संवेदनशील होकर के और सोच विचार करके अधिक से अधिक संख्या में कुमार जिला संवाददाता सुपौल बिहार। आगामी जो है सुपौल जिला में चुनावी मुद्दा का जिक्र कर चुका है और चुनाव नज़दीक आ चुका है। जो जो चुनाव नज़दीक आया है सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी प्रतापगंज में नामांकन भी जारी हो गया है सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड में। और आइए चुनाव के मुद्दे पर बात करते हैं हमारे पुलिस कप्तान सुपौल जिला के श्री मनोज कुमार जी से कि इस चुनावी में किस तरह से चुनाव करा रहे हैं और इस उन लोगों का क्या क्या विधि व्यवस्था है चुनाव कराने के मुद्दे पर कि क्या कर रहे हैं और कितनी व्यवस्था हद तक सही है और चुनाव कितना ढंग से किया जाएगा इस पर बात करते हैं। आइए हमारे पुलिस कप्तान जी से बात करें। सर ये चुनावी मुद्दा आ गया है सर, तो इसमें सर आपका विधि व्यवस्था क्या है चुनावी मुद्दा? चुनाव का बिगुल बन चुका है और आचार संहिता जिले का जो प्रथम चरण है दूसरा केंद्र जिला की आचार संहिता लागू है और इसका हरेक कैंडिडेट को शासन इसको शक्ति से अनुपालन करेगी। जो भी विचलन आ रहे हैं उनके लिए प्रयास करके कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी टोले हैं जो वल्नरेबल हो सकते हैं सभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ जो कारक हैं जो व्यक्ति दुष्कर्मों को किसी वोटर को डरा सकते हैं उस पर हम लोग कड़ी नजर रखे हुए हैं और इसके लिए जितने भी क्षेत्र में अराजक तत्व हैं जिनका आपराधिक इतिहास है केस पे गए हों आप केस पे गए हों गुंडा हो शराब के माफिया हो सभी पर हम लोग सीसी का कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 70 व्यक्तियों को हम लोग सीसी की तरह कार्रवाई किए हैं और जिला बदल चुके हैं। 2 व्यक्ति पर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन सीसी 12 कार्रवाई किए हैं और 107 है जो 4600 व्यक्तियों पर ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। जरूरत पड़ेगी तो और सख्त एक्शन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि कृपया ये चुनाव स्थानीय स्तर का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनेंगे, क्या इसमें सभी लोग सहयोग करें, कोई भी किसी भी तरह का खलल ना डालें और जो अच्छे नागरिक हैं अच्छे वोटर हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप निश्चित होकर के निर्भय रूप में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप स्थानीय स्तर की सरकार चुनते हैं तो उसमें है जो वोटर कितना जागरूक है, वोटर कितना समझदार है, वोटर कितना संवेदनशील है और कितना नैतिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर एक वोटर से मैं अपेक्षा करूँगा, उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने मन से है जो चुनिए और किसी भी प्रलोभन में किसी भी दबाव में या किसी भी लोभ में मत आइए। आप जात का लोभ मत देखिए, आप धर्म का लोभ मत देखिए, आप पैसे का लोभ मत देखिए। आप दिखा दीजिए कि वोटर सबसे ऊपर है और वोटर जो चाहेगा वही होगा। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही है। हमारे पिछले चुनाव में भी कोई घटना नहीं घटी थी, इस बार भी हम चाहेंगे कि हमारा जिला इस रूप में अव्वल रहे। यहाँ के लोग हैं जो अपने जो सरल स्वभाव है जागरूक स्वभाव है इसको है जो रेखांकित करें चुनाव में और जिले का नाम रोशन करें।